चलती 2898 एडी जैसी मूवी आज तक बनी रही इंडियन सिनेमा में, देखकर खूब मजा आया। सच में ये मूवी हम बार बार देख सकते हैं। वाइल्ड वी हैव लव्ड कल्कि, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसके ना होने से शायद से ये मूवी और भी ज्यादा बेटर हो सकती थी, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। प्लीज अंत तक देखना है ये वीडियो, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है वो मैं वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगी। मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसके बारे में आई डोंट थिंक किसी ने भी पहले डिस्कस की होगी, सो प्लीज स्टे विद मी अंटिल द एंड। ऑल्सो इस वीडियो में थोड़े से स्पॉयलर्स है, तो अगर आपने ये मूवी अभी तक देखी नहीं है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे कल्कि 2898 एडी ये मूवी और भी बेहतरीन हो सकती थी। लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लॉज। कल्कि 2898 एडी पूरे 3 घंटे की मूवी है। विद प्रॉपर एडिटिंग मूवी का लेंथ कम हो सकता था। इट वुड हैव डेफिनेटली वर्क्ड इन द फेवर ऑफ द मूवी। सेकेंडली, दिशा पठानी का जो पोर्शन है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। प्रभास और दिशा का नॉन एग्जिस्टिंग रोमांस वॉज रियली अनोइंग। दिशा वॉज द की टू द कॉम्प्लेक्स। उसके जरिए हमें कॉम्प्लेक्स की झलक दिखाई जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स में एंटर करने के और भी इंटरेस्टिंग रास्ते ढूंढे जा सकते थे। द फिल्म मेकर्स कुड हैव कम अप विद बेटर वेज। इस मूवी में काफी सारे स्पेशल अपियरेंसेज है, फिर वो मृणाल ठाकुर हो या दुलकर सलमान हो या राम गोपाल वर्मा, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी देम ऑल। मृणाल का जो रोल था छोटा सा था लेकिन मीनिंगफुल था, एंड शी काइंड ऑफ शोन इन दैट टीनी वीनी रोल टू। दुलकर सलमान्स कैरेक्टर वॉज नॉट रियली रिक्वायर्ड, लेकिन दुलकर है ही इतने चार्मिंग की उनको देखकर एक खुशी महसूस हुई। राम गोपाल वर्मा वॉज सिंपली ब्लिंक एंड मिस काइंड, दे वर ऑल सरप्राइज फैक्टर्स एंड येस वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज टू। लेकिन दिशा पठानी को देखकर कोई खुशी नहीं मिली। पूरी मूवी में हर पोर्शन इज माई लीस्ट फेवरेट। एक्चुअली मूवी की कास्टिंग एकदम जबरदस्त है। प्रभास एज भैरवा, अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, दीपिका एज सुमति, कमल हासन एज सुप्रीम यास्किन, एकदम मजेदार कास्टिंग। लेकिन देयर वाज वन एक्टर हु आई फील वाज नॉट राइट फॉर द रोल ही प्लेड, वो है सस्वता चैटर्जी, जो कमांडर मानस का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में। अगर देखा जाए तो कमांडर मानस का रोल भी काफी सब्सटेंशियल है। सुप्रीम यास्किन तो बस 2-3 सीन्स में हमें नजर आते हैं, लेकिन कमांडर मानस तो पूरी पिक्चर में नजर आते हैं। देखा जाए तो कमांडर मानस ही वो इंसान है जो सुप्रीम यास्किन का पूरा शो संभाल रहे हैं। इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, तो उस रोल के लिए वी नीडेड समवन मोर फियर्स लुकिंग देन सस्वता चैटर्जी। सस्वता चैटर्जी मौसा चाचा दोस्त के रोल के लिए ठीक है, लेकिन विलेन के रोल के लिए ये आदमी बनानी, उनकी विलेन वाली पर्सनैलिटी रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर से गलती कैसे हो गई। सच में अगर कोई और दमदार एक्टर ये रोल करता तो और भी मजा आता। सो आई फील कास्टिंग सस्वता चैटर्जी फॉर द रोल ऑफ कमांडर मानस वॉज अ मिस्टेक। एक और बात मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी, मतलब कॉन्प्लेक्स और धरती के बीच में ज्यादा अंतर नहीं लगा मुझे, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट जहां प्रभास दिशा के साथ अंदर जाता है, उस पार्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था मुझे। धरती के लोग जहां रहते हैं वो भी मुझे धरती जैसी लग नहीं रही थी। सिर्फ 5 सीन्स में, द सीन्स दैट हैपेंड अंडर द ओपन स्काई, बस उन पार्ट्स में समझ में आता है कि ओके ये धरती है। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स और धरती में ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा था। Both the complex and homes on earth looked like metal cages with lots of rods and pipes. तो मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स का सेटअप थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। कॉम्प्लेक्स लग्जरी का सिंबल है, जहां पर अमीर लोग रहते हैं, तो उसको एक आलीशान जगह की तरह दिखाना जरूरी था फॉर अस टू डिफ्रेंशिएट। दैट आई फेल्ट वॉज मिसिंग। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रभास के कैरेक्टर को इतना मजाकिया नहीं बनाना चाहिए था, फर्स्ट हाफ स्लो है, बीजीएम दमदार नहीं है। ये सारी बातें कुछ हद तक सच भी है और नहीं भी। प्रभास का जो कैरेक्टर है इट इनफैक्ट प्रोवाइड्स अस रिलीफ फ्रॉम ऑल द सीरियस स्टफ हैपनिंग अराउंड। मुझे उसमें जरा भी प्रॉब्लम नहीं लगा। आई एब्सोल्युटली लव्ड भैरवा, और प्रभास का जो लेजी कैफ्री स्टाइल था वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अगर हम बहुत डेप्थ में सोचते हैं तो भैया फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है हमें इस कैरेक्टर से। मतलब कर्ण 6000 साल पहले महाभारत के कुरुक्षेत्र में मारे गए थे, तो इसका मतलब ये उनका पुनर्जन्म है, दैट्स ओके। माय क्वेश्चन इज कि कर्ण तो दानवीर थे ना, ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स, तो फिर इस जन्म में वो इतने टेढ़े कैसे पैदा हुए? द फिल्म मेकर्स शुड हैव रिटेन्ड हिज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? तो हमको एज एन ऑडियंस उसे कर्ण के रूप में स्वीकारने में दिक्कत नहीं होती। नाउ इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट हिम एज कर्ण, वो डॉट्स जुड़ नहीं रहे। भैरवा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कर्ण, वो ऑपरचुनिस्ट है, दल बदलू है, जलेबी की तरह टेढ़ा है, दूसरों के ड्रिंक्स पीता है, लोगों के पैसे नहीं लौटाता,
दिशा पठानी को झूठा आई लव यू बोले में उसे कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स में परमानेंट एंट्री पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, विच मीन्स ही इज नॉट अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स। तो शायद से अगर भैरवा को फिल्म मेकर्स थोड़ा सा सीधा दिखाते तो बेटर होता, आई मीन फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू। और रही फर्स्ट हाफ स्लो होने की, आई डिडंट फाइंड इट स्लो, वो बिल्डअप भी जरूरी था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था थोड़े से अनवांटेड सीन्स निकाल देते तो शायद से मूवी का पेस कंसिस्टेंट रहता। बीच बीच में थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ जगह में कुछ चीजें अनवांटेड लगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द BGM। BGM इज नॉट डेफिनिंग लाइक द अदर रीसेंट मूवीज, इट्स क्वाइट डिसेंट। क्या है ना, लोगों को लाउड BGM की इतनी आदत पड़ गई है कि जब तक पूरा थिएटर हॉल सीट्स लिवर किडनी यहां तक कि उनकी रूह भी उस BGM से कांपे नहीं, उनको मजा नहीं आता। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग आई डिडंट रियली मिस इट देन बिकॉज आई वाज सो मच एंगेज्ड इन द मूवी। लेकिन अब सोचने पर ऐसा लगता है कि शायद से सम मोमेंट्स इन द फिल्म वुड हैव कम अक्रॉस बेटर विद अ थंपिंग BGM, जस्ट मे बी। द सॉन्ग्स वो फैंटास्टिक, स्पेशली भैरवा के फाइट सीन में वो तेलुगु सॉन्ग और दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग का कॉम्बिनेशन, इट वॉज डेडली। आई सिंपली लव द इफेक्ट। अमित जी का वो गाना भी काफी अच्छा था, आई बेसिकली लाइक द म्यूजिक। तो ये थे कुछ एस्पेक्ट्स विच प्रॉब्ली कुड हैव मेड द फिल्म इवन मोर बेटर। फ्रेंड्स लेट मी नो अबाउट योर व्यूज इन द कॉमेंट्स बिलो। और एक और जरूरी बात गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट प्लीज।